हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस मंत्र ओडिशा। आज जॉब नोटिफिकेशन टी आसी आरबीआई तरफ माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ आज जॉब नोटिफिकेशन टी आसी जमीक आपने समस्त देखिपे। बर्तमान मु आईबीपीएस ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी और नोटिफिकेशन टी आपंकर आरबीआई तरफ आईबीपीएस ऑफिशियल वेबसाइट रे ही रिलीज करा जायछि। पोस्ट एथरा आपंकर असिस्टेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आसी तो नोटिफिकेशन टी डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप सबकि डिटेल्स आपको बुझे कहीदेवी जे केमी आप्लाय करें, कौ कौ पिला माने आप्लाय करें, कौन क्वालिफिकेशन दरकार सबकि कहीदेवी। किंतु ता पूर्व जब चैनल को सब्सक्राइब करना एवं ही जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखु। बाकी ओडिशा जिते भी गवर्नमेंट जॉब आसूची और प्राइवेट सेक्टर भल भल जॉब नोटिफिकेशन आसूची सब जॉब अपडेट करने दायित्व आपड़ मो ऊपर छाड़ दिंतु। ये हूँ आम टेलीग्राम चैनल जो जॉब मुझे यूट्यूब अपडेट करना सबकि जॉब मुझे टेलीग्राम चैनल अपडेट कर दूसरी। भुवनेश्वर में कौन नुआ जॉब आसला, ओडिशा रे कौन नुआ नोटिफिकेशन आसला, आपड़ भी जानते यूट्यूब रे सब जॉब पोस्ट करवा पॉसिबल नुह। तो सबकि मुझे टेलीग्राम चैनल अपडेट कर दूसरी। आपंकर कौन से डाउट रहा टेलीग्राम में मत पचारि पारे। तो जल्दी आसी टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूसरी। ये आसी नुआ नुआ जॉब अपडेट पाँच और नुआ नुआ जॉब को अप्लाई करूँ। सो फ्रेंड्स देखंतु ये हूँ आपणकर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जमीक आपण मैंने समस्त देखिपे। आरबीआई तरफ आसी माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ आसी। पोस्ट कथा मुझको अलरेडी कहीदे असिस्टेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आसी। तो ये चलत देखा फास्ट जे एथर आपंकर इम्पोर्टाट डेट कौन रखा जाए। देखो स्टार्टिंग डेट हूँ आप्लाय कर सेप्टेम्बर 13, 2023 टू आपने पोस्ट पर आप्लाय करें और लास्ट डेट एथर रखा जाए अक्टोबर 21, 2023। तो जो मैंने भी आप्लाय करने चाहूँगी से अक्टोबर 21, 2023 पूर्व ही आपण को आप्लाय करने पड़ो। तो ये चलत जाना जे एथर आपंकर टोटल केते पोस्ट रोचे और कौ जगह केते पोस्ट रखा जाए। पोस्ट कथा तो मुझे अलरेडी कहीदे असिस्टेंट पोस्ट रोचे। तो अहमदाबाद रखा जाए 13 पोस्ट, बेंगलुरु पर 58 पोस्ट, भोपाल पर 12 पोस्ट, भुवनेश्वर पर 19 पोस्ट, चंडीगढ़ पर 21 पोस्ट, सेमती चेन्नई पर 13 पोस्ट, गुवाहाटी पर 28 पोस्ट, हैदराबाद पर 14 पोस्ट रखा जाए, कानपुर और लखनऊ पर 55 पोस्ट रखा जाए, मुंबई पर रखा जाए 101 पोस्ट, नागपुर पर 19 पोस्ट, न्यू दिल्ली पर रखा जाए 28 पोस्ट। टोटल पोस्ट कथा यदि कह देखो 450 पोस्ट पर रिक्रुटमेंट टोटल आरबीआई तरफ असिस्टेंट पोस्ट पर आसी। ठीक अच्छे। तो आशा करुँच पोस्ट विषय में कंप्लीट इनफॉरमेशन पाई थे। एवं चलते जाना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एथे कौन रोचे, एज लिमिट कौन रखा जाए, क्वालिफिकेशन कौन थे आपण पोस्ट को अप्लाई करें। तो फास्ट आम एज लिमिट कथा यदि कह मिनिमम एज एथर आपंकर 20 वर्ष और मैक्सिमम एज एथर आपंकर 28 वर्ष बयस होता दरकार। ताठू अधिक किंवा कम होते आप्लाय करें नहीं। जो मैंने एससी किंवा एसटी कैंडिडेटर पिला रहिले से 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन और ओबीसी कैंडिडेटर पिला मानकु 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलूची। माने एससी एसटी कैंडिडेटर पिला मानकर मैक्सिमम एज 33 वर्ष और ओबीसी कैंडिडेटर पिला मानकर मैक्सिमम एज होची 31 वर्ष बयस हितिबा दरकार। तो क्वालिफिकेशन कथा यदि कह जो मैंने भी बैचलर डिग्री केवल करेंगे सबू पिला माने एलिजिबल अच्छा से जेकोसी ब्रांच हो कि जेकोसी स्ट्रीम रु जब आपण मान बैचलर डिग्री करेंगे सबू पिला माने अप्लाई करेंगे। किंतु आपंकर 50% मार्क थे ग्रेजुएशन दरकार से पिला माने अप्लाई करेंगे जहाँ पाखे 50% मार्क मिनिमम रोचे। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखिबा एथरा आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोचे। देखो फास्ट आपणकर प्रिलिमिनारी एग्जामिनेशन करा जिवो, देन सेतरे यदि आपण क्वालिफाई करूछंती मेन एग्जामिनेशन करा जिवो, देन आपणकर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करा जिवो। ठीक अच्छे। प्रिलिमिनारी एग्जाम रे आपणकर क्वेश्चन आसीबो इंग्लिश लैंग्वेज रे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पे टोटल आपणकर क्वेश्चन आसुची। मैक्सिमम मार्क एथरा आपणकर रहिबो 100 मार्क और 60 मिनट रो समय मिलुची। देन मेन एग्जामिनेशन पे एथरा आपणकर टेस्ट ऑफ रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज पे रहिबो, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपणकर जनरल अवेयरनेस एवं कंप्यूटर नॉलेज पे क्वेश्चन रोचे। 200 मार्क क्वेश्चन रहिबो एवं एथरा आपणको ड्यूरेशन मिलिबो 135 मिनिट। ठीक अछि। तो आशा करुँची सिलेक्शन प्रोसेस विषय में कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण पाई परिथिबे। दरमा कथा यदि कह देखो बेसिक सैलरी एथरा आपणकर 20,100 टंका रखा जाए। आपणकर ग्रेड पे और अदर अलाउंस रोचे। तो टोटल आपणकर स्टार्टिंग सैलरी आपणकर 70,000 पाखापाखि एथर आपणकर स्टार्टिंग सैलरी आसीजिवो। ठीक अच्छे। 70,000 टंका टोटल सबकिछि मिसेकी। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट चलते जाना जो मैंने भी आप्लाय करने चाहते से केमी आप्लाय करेंगे देखो। तो आप्लाय कर लिंक डायरेक्ट मो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवि से चैनल आपने डायरेक्ट आप्लाय करेंगे कि आईबीपीएस ऑफिशियल वेबसाइट को जाके आपने आप्लाय करेंगे। आप्लिकेसन फी देखो जो मैंने जेनेल कैंडिडेटर पिला रही 450 टंका आप्लिकेसन फी रखा जाए प्लस जीएसटी रही एससीएसटी कैंडिडेटर पिला 50 टंका आप्लिकेसन फी प्लस जीएसटी ए रखा जाए ठीक अच्छे। तो किसी भी डाउट रोचे आप मत कमेंट माध्यम पचारि पारे जो मैंने भी इलिजिबल अच्छा आपंक भाई फ्रेंड्स जी भी इलिजिबल अच्छा सहित भिडियोटी सेयार करी से कहींपर आप्लाय करने। चैनल को यदि सब्सक्राइब करना एवं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखुद। बाकी ओडिशा जिते भी गवर्नमेंट जॉब आसूँ और प्राइवेट सेक्टर भल भल जॉब नोटिफिकेशन आसूँ सब जॉब अपडेट करवा दायित्व आप मो छाड़ दिखाँ। थैंक यू सो मच।